नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन स्पोर्ट्स और मैं आपके साथ अखिल गुप्ता। T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मुकाबले शुरू होने वाले हैं। टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के बीच होगा। ये मुकाबला खेला जाएगा त्रिनिदाद के ब्रायन लारा स्टेडियम में, जबकि दूसरा सेमीफाइनल होने वाला है इस टूर्नामेंट का मच अवेटेड मुकाबला इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। ये मुकाबला गयाना में होगा। बड़ी दिलचस्पी हो चुकी है T20 वर्ल्ड कप की टॉप चार टीमें इस वक्त हमारे सामने हैं, साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान, इंग्लैंड और इंडिया। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि कौन सी दो टीमों के बीच फाइनल होगा और कौन सी टीम वर्ल्ड कप अपने घर लेकर जाएगी। हालांकि टूर्नामेंट के सेमीफाइनल मैच से पहले एक बड़ी भविष्यवाणी हुई है और भविष्यवाणी की है पूर्व कंगारू गेंदबाज यानी कि पूर्व ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज ब्रैड हॉग ने उस टीम को फेवरेट बताया जो इस वर्ल्ड कप को उठा सकती है। ब्रैड हॉग का ऐसा कहना है कि साउथ अफ्रीका टीम इस बार चोकर्स नहीं साबित होगी, वर्ल्ड क्रिकेट को हैरान करेगी और इस बार विश्व विजेता बनकर अपने घर लौटेगी। अपने YouTube चैनल पर बात करते हुए ब्रैड हॉग ने अपने बयान में कहा, मुझे लगता है कि इस बार साउथ अफ्रीका जीतेगा, उनकी टीम काफ़ी मजबूत है। मेरा मानना है कि अगर अफ्रीका निडर होकर सेमीफाइनल जीत लेती है तो ये टीम फाइनल जीतकर विश्व विजेता बनने वाली है। इस टीम के पास कॉम्बिनेशन है, आक्रामकता है और सभी खिलाड़ी पोलाइट भी हैं। मुझे कप्तान के तौर पर एडन माक्रम काफ़ी ज़्यादा पसंद है, जो सब्र के साथ बेहतरीन फैसले लेते हैं। टीम को केवल निडर होकर कंडीशन के साथ तालमेल बैठाकर क्रिकेट खेलना होगा। बड़ी तारीफ हुई एडन माक्रम की। ब्रैड हॉग ने कहा है कि बड़े अच्छे फैसले लेते हैं, निडर होकर खेलते हैं और अफ्रीका टीम की बात हो रही है कि टीम निडर होकर खेलती है। इस वर्ल्ड कप में लगातार 7 मुकाबले जीत चुके हैं, लेकिन किस तरीके से वो मैचेस जीते, एंड ओवर्स में जाके, अंतिम ओवर्स में जाके साउथ अफ्रीका ने जैसे तैसे करके सेमीफाइनल का टिकट कटा लिया। अब ये टीम वर्ल्ड कप जीतने की फेवरेट तो है, क्योंकि ये टीम तीसरी बार सेमीफाइनल खेलती हुई नजर आएगी। 2009 में खेला था, पाकिस्तान से सेमीफाइनल हार गए थे। उसके बाद 2014 में दूसरी बार ये टीम सेमीफाइनल में पहुंची, वहां पर भारत ने हरा दिया। अब इस टीम का सामना सेमीफाइनल में अफगानिस्तान से होने वाला है। क्या ये टीम वर्ल्ड कप जीत पाएगी? ब्रैड हॉग को तो लगता है, आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। लेकिन इस टीम की बल्लेबाजी काफ़ी ख़राब देखने को मिली है। क्विंटन डिकॉक इकलौते ऐसे बल्लेबाजी जिन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की, 199 रन लगा चुके हैं। रीज़ा हेंड्रिक्स का बल्ला वैसे लगता है कि उनके बल्ले को सांप सूंघ गया है, बल्ला चल ही नहीं रहा है। एडम माक्रम, हेनरिक क्लासन, डेविड मिलर, कुछ अच्छी पारियां निकली है लेकिन कुछ कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस इनके बल्ले से नहीं निकली है। ऑटिल बार्टमैन गेंदबाजी की बात करें, पहला वर्ल्ड कप है, प्रभावित किया है। कगिसो रबाडा 10 विकेट ले चुके हैं, केशव महाराज ने अच्छी गेंदबाजी की है, शमसी ने विकेट लिए हैं, लेकिन एनरिच नोकिया 7 मैचों में 11 शिकार कर चुके हैं। अफ्रीका की टीम बैलेंस तो नजर आ रही है और ये टीम अफगानिस्तान को हरा भी सकती है। कांटे की टक्कर होने वाली है। नजर डालते हैं साउथ अफ्रीका की पॉसिबल प्लेइंग 11 पर। रीज़ा हेंड्रिक्स, क्विंटन डिकॉक विकेट कीपर, एडम माक्रम कैप्टन, हेनरिक क्लासन, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, मार्को येंसन, केशव महाराज, कगिसो रबाडा, एनरिच नोकिया और तब्रेज शमसी। कमाल की ये टीम है, अच्छा परफॉर्मेंस भी कर रही है। अब देखते हैं कि क्या ये टीम सेमीफाइनल जीत पाएगी, क्या साउथ अफ्रीका फाइनल जीत पाएगा। कमेंट सेक्शन में राय जरूर दें। ब्रैड हॉग के बयान को आप कैसे देखते हैं ये भी जरूर बताएं।